हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू क्या हर कोनी कोनी की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके। गाइस, ITEP एडमिशन, गाइस ये होता क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें आप BA कोर्स और BEd कोर्स 4 साल में कर सकते हो, जबकि ये दोनों कोर्स मिला के आपको 6 साल में लगते हैं, 6 साल लगते हैं करने में, लेकिन इसको आप 4 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सारी डिटेल बताऊँगा। जो बच्चों ने इसके बारे में रजिस्टर कर दिया है वो भी ठीक है, और जो बच्चे आने वाले सालों में इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं वो भी, उसके उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो ज़रूर देखना और इस वीडियो को जितना हो शेयर करना। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चे के पास जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख के मिसगाइड होते हैं और फिर उनको कोई भी गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो गाइस, उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंच सके और उनको भी पता चले कि आज भी यूट्यूबर है जो उनकी जेन्युइनली हेल्प करता है। तो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चलेंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। जब इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखना, इधर साइड में नीचे आना, स्क्रॉल करते लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो 4 ईयर ITEP, ये होगा। यहाँ पे बुलेटिन होगा इसका, रजिस्ट्रेशन लिंक है और ये एक PDF है। सारी चीज़ें बताऊँगा एक एक करके, ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से इसको समझना, ठीक है, बिकॉज और कोई बताएगा नहीं। सबसे पहले मैं बात को बताता हूँ ITEP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो गाइस, IT ये होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये होता है ITEP। ये क्या होता है, ये 4 साल की एक डिग्री होती है जो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी देगी, जिसमें आप BA और BEd दोनों एक साथ करोगे, वो भी 4 साल के अंदर, ठीक है। दोनों डिग्री आपको मिलेगी और आपको सबसे मेन बात ये होगी, ये डिग्री करने में 6 साल लग जाते हैं टोटल, आपको पता होगा जो दोनों डिग्री BA और BEd। तो आप इसके लिए आगे भी, मतलब इस डिग्री को करके आगे भी आपके लिए बहुत सारा स्कोप खुल जाता है, एक तरह से बहुत सारे स्कोप खुल जाएंगे आपके लिए। BA तो आपने कर ही लिया, इससे तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। लेकिन अब इसमें दिखाता हूँ कि अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, 4 ईयर BEd प्रोग्राम, ठीक है, डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर डिग्री। तो गाइस, अब यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो BEd लिखा हुआ है, BA कहाँ है, BA कहाँ लिखा हुआ है, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको कि BA इसमें एक्चुअली लिखा कहाँ है। देखो ये रहा, देखो यहाँ पे ये कॉलेज है ना, जो BA और BEd मिडिल और BA एंड BEd सेकेंडरी, तो ये गाइस इसमें देखो ये चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों BA और BEd कोर्स हो रहा है इसमें, ठीक है, आप देख सकते हो। अब ये किस किस में ऑफ़र किया जा रहा है वो एक एक करके यहाँ से बताता हूँ मैं आपको। देखो ये पहले तो 4 साल का प्रोग्राम होता है ये, ठीक है, और इसको आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस में कर सकते हो, हिस्ट्री, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, एजुकेशन, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, और भी बताऊंगा इसमें। देखो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइंस, साइकोलॉजी, इसमें इतने सारे ट्रेड्स हैं, आप इसको कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन कब है? अभी इसका करेंटली रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है, और इसके लिए ये भी बताऊँगा आप रजिस्टर कर सकते हो, आपने कर दिया है तो ठीक है, आप कर सकते हो या नहीं वो भी बताऊँगा। 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक इसका एडमिशन चल रहा है, ठीक है, और इसमें कौन कौन पार्ट ले सकता है वो बता देता हूँ। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कैंडिडेट विद 50% ऑफ मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी, आपके 12+2 में, मतलब 12वीं क्लास में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आपकी कोई भी और कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC या EWS या आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो भी, तो आपको इसमें परसेंटेज में रिलैक्सेशन मिलती है। कितनी मिलती है वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से पता करना पड़ेगा या आप कमेंट सेक्शन में पूछना तो मैं बता दूंगा। फॉर आफ्टर अप्लाइंग इन द यू मस्ट हैव एंट्रेंस टेस्ट ऑफ NCT, मतलब आपने जब अप्लाई करोगे इस चीज़ के लिए, ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट आप आए और मुंह उठा के अप्लाई कर दिया, नहीं, आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले आपको इसके लिए एक एग्ज़ाम देना होगा जो आपको कॉमन एंट्रेंस, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम NCET होता है, जो NTA करवाता है। अब ये कौन सी बला है, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, तो ये भी बता देता हूँ। देखो ये होते हैं, इसकी वेबसाइट ये है NCET की, ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये 2023 में करवाया गया था। कब करवाया गया था वो भी बता देता हूँ। देखो ये 26 जून से 19 जुलाई तक इसकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन हुई थी, ठीक है, NCET की, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था, ये करवाया गया था, ठीक है, और फिर इसमें एक करेक्शन डेट भी आई थी, कुछ गलती हो गई तो वो भी कर सकते हैं, NTA ने करवाया था। अब इसमें सिलेबस क्या क्या आ जाता है,
ठीक है, इसमें 33 लैंग्वेजेस होती हैं, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये डिवाइड होता है, ये PDF आप डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। अब ये हुआ कब था एग्ज़ाम, 9 अगस्त को इसका NCT का, ये जो NCT 2023 है ना, ये 9 अगस्त को हो गया था। देखो ये 9 अगस्त को हो गया था ये एग्ज़ाम, ठीक है। और इसमें आपको ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। जहाँ भी थे सेंटर बच्चों ने दिया होगा, जिनको पता होगा उसने दे दिया होगा, ठीक है। अब गाइस ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि NCT नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता क्या है। और इसमें एक पॉइंट है, ये है कि ओनली वुमेन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर बोथ, एज बोथ कॉलेजेस आर ऑफरिंग द प्रोग्राम ऑफ वुमेन्स कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। तो सिर्फ वुमेन कैंडिडेट मतलब लड़की ही अप्लाई कर सकती है इसमें, और कोई अप्लाई नहीं कर सकता, लड़का अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वुमेन कॉलेज ही इसको ऑफ़र कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ वुमेन्स कॉलेज ही, 2 वुमेन्स कॉलेज हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। और अगर आपकी कोई कंपार्टमेंट है या आपके कोई बैक है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस चीज़ के लिए, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आपके 12th में कोई कंपार्टमेंट है या कुछ तो आप एलिजिबल नहीं हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें बताता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस ऑफ़र कर रहे हैं। ये सबसे पहला कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है, ये वाला कॉलेज है। ये देखो यहाँ पे BA प्लस BEd मिडिल स्टेज 50 स्टूडेंट्स, और BA प्लस BEd सेकेंडरी स्टेज 50 स्टूडेंट्स, 100 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये कॉलेज इसको ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी BEd, यहाँ पे 2 ही सीट, मतलब वो सीट मैट्रिक्स नहीं दी हुआ, सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ आपको। जो माता सुंदरी कॉलेज की सीट मैट्रिक्स है, वहाँ पे UR में इतने कैंडिडेट्स, 50-50 कैंडिडेट, सब टोटल 50 कैंडिडेट। सब्जेक्ट कौन से ऑफ़र किए जा रहे हैं देख सकते हो, हिस्ट्री सोशल साइंस, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश पंजाबी, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स। और जो इसमें सेकेंडरी में ऑफ़र किया जा रहा है, मतलब आगे वाले सेकेंडरी में, सेकेंडरी क्या हो रहा है आप देख समझ जाना इसमें, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी फिलोसफी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में सेकेंडरी में ऑफ़र किया जा रहा है, जो कि 19 सीट्स हैं जहाँ पे आपको ये ऑफ़र की जा रही है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में, ठीक है। ये सीट मैट्रिक्स हो गई आपकी, ठीक है। आपको अब समझ आ रहा होगा सारी चीज़ों का प्रोग्राम कि क्या क्या सीन है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है गाइस, ये सारे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपका अगर कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, लाइक अगर SC ST OBC EWS PWD कोई भी सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट, OBC NLC का सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट अगर है तो वो 31 मार्च से पहले का होना, बाद का होना चाहिए, लाइक उसके पहले का होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपका फॉर्म। EWS का भी सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च से पहले का, बाद का होना चाहिए। और PWD का आपका कोई सर्टिफिकेट है तो आप कर सकते हो। CW कैटेगरी से अगर आप हो तो वो भी आपको एजुकेशन फ़ी कंसेशन मिलेगा, ठीक है। और कैंडिडेट सिख माइनॉरिटी है भी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस और आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी UOD वार्ड हो, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पापा मम्मी कुछ काम करते हैं, तो उनका एक ID कार्ड भी चाहिए होगा, और आपका भी एक ID कार्ड लगेगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब गाइस चलते हैं वीडियो पे, मतलब जो मेन चीज़ है इसकी, ये वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ये वेबसाइट है। आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन देखो, ये ग्रीन हो रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे कि ये आ जाएगा, वेबसाइट ऐसे खुल जाएगी। एक बार और करके दिखा देता हूँ, पहले इसकी देख लीजिए फ़ीस होती है। ये UR कैंडिडेट और EWS OBC के लिए 250 रुपये, और SC ST WPW के लिए 100 रुपये। तो गाइस ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल होती है, एक बार आपने पे कर दी तो दोबारा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अपना NCT का एप्लीकेशन नंबर डाल देना, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा ना वो एप्लीकेशन नंबर डाल देना, अपना नाम डाल देना, डेट डाल देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट कर देना जो कि आपने स्कोर कार्ड में लिखी है, फिर ईमेल आईडी, फिर अपनी दोबारा से एक बार ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड लिख देना यहाँ पे, बना लेना पासवर्ड कोई भी अपना पासवर्ड, या फिर से वो पासवर्ड डालना, अपना मोबाइल वर्किंग मोबाइल नंबर डाल के दो बार, और ये कैप्चा जैसा आएगा ये आपके में एंटर कर देना, और फिर ये रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास एक OTP जाएगा, और फिर आपका इसके सामने फॉर्म अपीयर हो जाएगा, फुल फिलिंग फॉर्म आएगा। अगर उस फॉर्म को फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट करना अगर फॉर्म फिलिंग नहीं आ रही। यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने ये रजिस्टर करके, और यहाँ के आगे अगर फॉर्म फिलिंग में आपको दिक्कत आ रही है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपकी फॉर्म फिलिंग करवा दूँगा। तो यही कुछ था गाइस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और मेरा टेलीग्राम का एक ग्रुप है जहाँ पर आप मुझसे आके बात कर सकते हैं, वो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है, एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।